इस कृति आज़ाद पूर्व क्रिकेटर इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। इनकी फिल्म क्रिकेट बिहार के सम्मान से बिहार के अपमान तक जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस वक्त खुद हमारे बीच कृति आज़ाद जी मौजूद हैं। कृति आज़ाद जी, जो फिल्म रिलीज़ होने जा रही है बहुत ही जल्द, क्या लगता है कि जो फिल्म के बारे में यानी कि क्रिकेट दुनिया को दिखाया गया कि बिहार में किस तरह क्रिकेट का अपमान और बिहारियों का भी अपमान होता रहा है, तो क्या लगता है कि इस फिल्म में युवाओं को, खासतौर पर क्रिकेट प्रेमियों को क्या नया देखने को मिलेगा? वो आप सिनेमा जाएंगे तो आपको पता लगेगा। और आपने कह दिया बिहार के सम्मान से अपमान तक, नहीं, बिहार के अपमान से सम्मान तक जी। सर, ये हमारी लड़ाई है जी, बिल्कुल। इसी के अंदर पूरा आ जाता है कि किस प्रकार से हमने अपमान सहा, लड़ाई लड़ी, दृढ़ संकल्पित हुए और फिर हमारे लड़के प्रेरित होकर किस प्रकार से खेल के मैदान में आए, जिनको कि अलग अलग छोटी छोटी जगहों से, अलग अलग जिलों से बिहार के ढूंढ कर लाई थी हमारी टीम। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और ये भी, क्योंकि इस फिल्म में क्रिकेट से किस तरह राजनीति भी जुड़ा हुआ है, तो क्या क्रिकेट प्रेमियों को कहना चाहेंगे, क्या इसमें बड़ा है जो उनके लिए कहने का आदत साबित होता है इस फील्ड में? मैंने पहले ही कहा कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना, इसको देखना है तो संघर्ष, वो कहानी घर घर की कहानी है, हमारा संघर्ष। संघर्ष अमीर आदमी होता है वो भी और संघर्ष करता है कि मेरे को और पैसा मिले। जो रिक्शा चलाता है ना, वो कहता है चलो दो फेरा और लगा लेंगे, हम कुछ पैसा ज़्यादा मिल जाएगा तो दो रोटी घर में अपने बच्चों के लिए ज़्यादा ले जाएंगे, या अपने घर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भेज देंगे। तो ये संघर्ष की कहानी है और वो संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ, और संघर्ष जीवन है, संघर्ष नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आगर में बहुत ही जल्दी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में बिहार में इस फिल्म के बाद किस तरह का और भी बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल नेशन भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।